बाबा जी की बानी है, सतयुग की अगवानी है, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। तुम्हारे आज्ञा में चलूं, तुम में हो विश्वास, तुम्हें छोड़ नहीं और की कभी करूं मैं आस। जय सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 24 जून 2022 को सायंकाल के वेला में गाजियाबाद के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर गुरु महाराज की दया, प्रभु की कृपा हुई कि आपके अंदर प्रेरणा हुई खबर लगते ही और आप सत्संग सुनने के लिए आ गए। जैसा आवत अत कठिनाई, सत्संगों में आना आजकल लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि सत्संग होता कम है, सत्संग सुनने की आदत लोगों की छूट गई, तो जो चीज आदत में आ जाती है वो चीज तो याद हो जाती है और जो आदत में नहीं आती है वो जब संस्कार जपते हैं, जब उस प्रभु की कृपा होती है, जब वो डोर को हिलाता है तभी असंभव हो पाता है। तो आप वो प्रेरणा हुई और आप सत्संग में आए। आपका यह समय बहुत ही कीमती है, मूल्यवान है, ऐतिहासिक है कि आपको सत्संग की दो बातें सुनने को मिलेंगी। देखो, कथा भागवत प्रवचन होता रहता है, उसमें भी उपदेश होता रहता है, लेकिन सत्संग होता है वो सबसे अलग होता है। उठना बैठना तौर तरीका, ये घर में भी उपदेश के रूप में बच्चों को परिवार के लोग देते रहते हैं, समझाते रहते बताते रहते हैं अच्छी बातों को। स्कूल में मास्टर साहब लोग भी बताते हैं अनुशासन में रहना, साफ सफाई रखना, माता पिता का पैर छूना, आदर करना एक दूसरे को का बड़ों का, यह सब वहाँ भी सिखाते रहते हैं। अब आप ये समझो, लेकिन जो सत्संग होता है, वास्तविक सत्संग होता है, वो हो जो सतपुरुष के बारे में जानकारी रखता है, सत्य की जानकारी रखता है, सत्य से जुड़ा हुआ रहता है और सत्य के बारे में बताता है, वो सत्संग होता है। आप ये समझो कि कहा गया है कि सत्संग किसको कहते हैं, कोई जान लो सतलोक सतपुरुष का जहाँ कीर्तन होए। तो कीर्तन का मतलब क्या होता है, कीर्ति, कीर्ति किसको कहते हैं, महिमा, बड़प्पन, जो नेक काम अन्य वो करते हैं उसको कीर्ति कहते हैं। जनहित का काम, दूसरों के हित का काम जब ज़्यादा लोग करते रहते हैं तो कहते हैं भाई इनकी बड़ी कीर्ति है, बड़ी उनकी महिमा लोग गा रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप ये समझो कि कीर्ति का वर्णन जहाँ होता है
वो हो आपके समझो कि सत्संग कहलाता है। किसकी कीर्ति का वर्णन, किसकी महिमा गाई जाती है? सतपुरुष की, सतलोक की। तो सतलोक किसको कहते हैं? आप जहां पर रहते हो, यह मृत्युलोक है, इसका नियम अलग है। जैसे इस मृत्युलोक में जो पेड़ फलता है, झड़ता है, जो आग जलती है, बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है, यहाँ कोई अमर होकर नहीं आता है। यह जो है यानी परिवर्तनशील है जगत, यह दुनिया बदलने वाली है, बदलाव यहाँ होता रहता है, यहाँ सिमटाव होता रहता है, यह खत्म होने वाली चीज है, अजर अमर ये चीज नहीं है। जितनी भी चीजें इन आंखों से आप देखते हो, यह सब खत्म होने वाली चीजें। एक समय ऐसा आएगा जो मकान दिखाई पड़ रहा बढ़िया सुंदर सुडोल मजबूत, वो भी ढह जाएगा। जो पेड़ बढ़िया सुंदर सुडोल दिखाई पड़ रहे हैं, बढ़िया फल देने वाले हैं, वो भी गिर जाएंगे। जो पशु और पक्षी आप रखते हो, देखते हो या पालते हो, वो भी खत्म हो जाएंगे। आदमी जिनको आप देखते हो, यह भी खत्म हो जाते हैं। ये जमीन परिवर्तन जब होता है, जब प्रलय होता है, तो जमीन भी ये बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है, पानी सूख जाता है, हवा नहीं रह जाती है, आकाश ये जो दिखाई पड़ते हैं ये भी सब सिमट जाते हैं। इनके ऊपर के जो अनिल लोक हैं आपके, चंद्र लोक, सूर्य लोक, आपके समझो कि ये शिव लोक, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, स्वर्ग वैकुंठ जिनको कहते हो, अंडी लोक जिनको कहा गया, ये भी सब सिमटाओं में आते हैं। आद्या लोक ये सब सिमटाओं में आते हैं। ब्रह्मांडी लोक जिनको कहा गया, ईश्वर का स्थान, ब्रह्म स्थान, पार ब्रह्म स्थान, महाकाल, ये सब अन्य समझ लो कि ये सब समेटने में आ जाते हैं जब महाप्रलय होता है। तो ये सब लोक हैं। तो यह है मृत्यु लोक। और सतलोक कहाँ है? सबसे ऊपर है। तो सतलोक का जो मालिक है वही सब कुछ है, सबका सृजनहार वही है। उन्होंने ही इधर नीचे की रचना किया है, भगवत कृपा की रचना उन्होंने ही किया, धाम की महिमा अच्छा लोक का उन्होंने ही अन्य समझो की रचना किया, आपका पार ब्रह्मस्थान का, ब्रह्मस्थान का रचना उन्होंने ही किया। यहाँ तक के समझो कि ये जो ईश्वर लोक है, उस लोक की भी रचना उन्होंने ही किया। उनके मसाले से ही, उनकी मौज से ही ये रचना होती गई, ये धनी नीचे उतरते गए और वो वहाँ के मालिक बना दिए गए। ये जो सबसे नीचे यानी उनकी रचना में जो सबसे नीचे यानी सहस्रदल कमल है, जहाँ पर ईश्वर बैठे हुए हैं, मुसलमान जिनको खुदा कहते हैं, यानी ईसा मसीह ने कहा गॉड उनका नाम रखा, तो ईश्वर कहता है संतों ने काल भगवान कहा, क्योंकि वो सब समेट लेते हैं। काल किसको कहते हैं? जो पल भर में, पल किसको कहते हैं? समय के सबसे छोटे माप को पल कहते हैं। पल भर में इधर की जो भी रचना है, ये चाहे 33 कोर दुर्गा हों, 10 कोर शंभु हों, बैराट हों, चाहे ये ब्रह्मा विष्णु महेश हों, चाहे इनकी माँ आद्या महाशक्ति हों, चाहे ये पशु हों, पक्षी हों, अंडज पिंडज हुकूमत में जो भी हों, आप ये समझो कि इनको वो पल भर में समेट लें और रचना इधर की कर रहे हैं वो, उनको कहते हैं काल। काल कहते हैं इधर की रचना उन्होंने किया, इधर की इन योनियों की। आप ये समझो मनुष्य योनि, ये समझो पिंड योनि कहलाती है, अंडे योनि जो अंडे से उत्पत्ति होती है जिनकी, वो अंडे योनि कहलाती है। हुकमज ये जो पतंगे हैं, कीड़े बहुत पतले हैं, खटमल हैं, जू हैं, ये अंडज कहलाते, ये हुकमज कहलाते हैं, जल के जीव, और ये जो यानी जड़ है, ये पेण है, ये यानी समझो कि जड़ योनि में है। तो आप ये समझो अंडज पिंडज हुकमज और अस्थावर, पेणों को अस्थावर कहा जाता है। तो आप ये समझो ये सब योनियों की रचना इन्होंने ही किया, लेकिन इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? सबसे श्रेष्ठ यानी मनुष्य योनि है। क्यों मनुष्य योनि है? क्योंकि इसमें जो जीवात्मा बैठी हुई है, परमात्मा की यह अंश है,
ये यानी समझो कि सबसे ज्यादा चैतन्य है, सबसे ज्यादा यानी इन योनियों से ज्यादा पावर में है। यानी समझो आप कि जैसे एक एक सेल की रोशनी होती है, एक सेल लगाओ तो टॉर्च की रोशनी होती है, दो लगा दो तेज हो जाएगी, तीन लगा दो और तेज हो जाएगी, ऐसे ही समझ लो आप। रोशनी वो भी है टॉर्च की और ये भी है, लेकिन अंतर है। इसी तरह से ये है तो परमात्मा की अंश ही, पावर परमात्मा जैसी ही है, इसमें सत पुरुष की ये अंश है, सत पुरुष की ही पावर इसमें है, लेकिन यह समझ लो कि वो पावर हाउस हैं और आप और हम जो हमारी ये जीवात्मा, आपकी जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में है, वो एक जैसे समझो कि बल्ब के पावर जैसी है, एक समझ लो कि कोई जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की पावर जैसी है। पावर हाउस नहीं हो सकती है ये, लेकिन वो बिल्कुल पूरा पावर हाउस, तो सुगंधी उसमें भी है, जीवात्मा में भी सुगंधी है, जैसे पेड़ों में सुगंधी होती है, हवा को भी सूंघा जा सकता है, हवा को भी मापा जा सकता है, पेड़ों को भी मापा जा सकता है, ऐसे सुगंधी से वो भरपूर हैं। और सुगंधी इसमें भी है, सुंदरता इसमें भी है, सुंदरता उसमें भी है। तो ये जो इस पंच भौतिक शरीर में जीवात्मा है, वो सबसे ज्यादा चैतन्य और पावर में है। अब आप ये समझो पंचभौतिक शरीर किसको कहते हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये पांच तत्व, इससे मनुष्य का शरीर माँ के पेट में बनता है। माँ के पेट में ही यानी सबका शरीर बनता है, चाहे चिड़िया हो, चाहे पक्षी हो, चाहे यानी समझो कि जल के जीव हो, सबका माँ के पेट में ही शरीर बनता है। लेकिन उनमें ये पूरे पांचों तत्व नहीं होते हैं। आप ये समझो काम यही करते हैं जो मनुष्य करता है, खाते हैं, आप समझो कि सोते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और एक दिन शरीर छोड़ देते हैं, मृतलोक से चले जाते हैं, जैसे मनुष्य करता है ऐसे वो भी करते हैं, लेकिन उनमें तत्व नहीं होते पांचों। इसीलिए देखो जानवर, जैसे कोई घोड़ा हो, हाथी हो, जैसे गाय हो, बैल हो, वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, जैसे आप ऐसे खड़े हो सकते हो, ऐसे ऊपर आसमान को जैसे आप देख लेते हो तो नहीं देख सकते, ऐसे घूम करके आप पीछे देख सकते हो, शरीर न हिले आपका, लेकिन वो बगैर पूरा घूमे हुए पीछे नहीं देख सकते, उनमें बुद्धि नहीं होती, सिखाना पड़ता है। आप पेशन जो सिखाओगे नहीं, बताओगे नहीं, तो किसी लायक नहीं होते, बस वो खाना और लेटरिन करना यही सीख पाते हैं। वो अपने माँ से यानी अपने एक तरह से उनका जो कुनबा होता है, परिवार होता है, एक तरह जिनके बीच में रहते हैं, यही वो सीख पाते हैं। आप पेशन जो बच्चा पैदा करना ही ये सीख पाते हैं, बाकी और काम नहीं सीख पाते। और अगर आप बंदर को सिखा दो तो बंदर बंदूक चलाने लगता है, कुत्ते को आप सिखा दो तो चला जाता है सामान बाजार से लेकर आ जाता है, रखवाली कर लेता है, सूंघ करके चोर को बता देता है कि चोर यहाँ है, माल यहाँ रखा है, सिखाना पड़ता है। तो आप ये समझो उनकी बुद्धि नहीं होती है, काम सब यही करते हैं जो मनुष्य करता है, बुद्धि नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनकी जो ये आत्मा होती है तो परमात्मा की अंश है, मनुष्य के दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है। यहाँ पर समझो यहाँ सिर पर यहाँ यानी चार अंगुल पीछे यहाँ अंदर में बैठी हुई, दिखाई यहाँ से पड़ती है क्योंकि सुराख यहीं पर है देखने का, दोनों आंखों के बीच में यहाँ पर है। देखो इसी जगह को यानी बहुत से जानकार लोग यानी चंदन लगाते हैं, इसको सजावट करके रखते हैं, ये देवियाँ सिंदूर लगाती हैं, इस जगह को अलग रखती हैं, ये इसको ये जगह अलग है। तो यहाँ पर समझो कि वे जीवात्मा मनुष्य की बैठी हुई है और उनकी जो जीवात्मा होती है वो यहाँ हृदय में होती है, तो ऊपर के यानी चीजों को वो देख नहीं सकती है, मतलब उनके शरीर में हरकत नहीं होती है,
चलता तो है शरीर, लेकिन यह है कि उसमें एक तरह से विवेक नहीं जग सकता है, बुद्धि नहीं आ सकती है। तो आप ये समझो ये जो मनुष्य शरीर है सबसे श्रेष्ठ शरीर है। क्यों और किस कारण से श्रेष्ठ है? देवता तो 17 तत्वों के शरीर में होते हैं, और देवताओं के यहाँ मनुष्य के लोक मृतलोक जैसा कोई रोना धोना नहीं है, वहां तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, वहां तो गंदगी नाम की कोई चीज नहीं है, वहां तो कोई बदबुआती नहीं, नापदान नाली बहता नहीं है, वहां तो मनुष्य जैसा कोई टट्टी पेशाब करता नहीं है, ये जो नाक से गंदगी निकलती है, ये जो मुंह से निकलती है, जो पसीने से निकलती है, ये सब तो निकलती नहीं गंदगी, सुखी बहुत है वो। लेकिन सच पूछो तो वो मनुष्य से ज्यादा दुखी। किस बात के लिए दुखी है? कि हमको जब तक मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तब तक हम प्रभु के पास पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको ये मालूम रहता है, ये ज्ञान और भान रहता है कि हम प्रभु के पास से उतारे गए हैं, वहां से हम भेजे गए हैं, और जब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारी योनि ये छूटेगी नहीं। हम उस समुद्र में जब तक विलीन नहीं हो पाएंगे, सुख के सागर में जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हमको पूर्ण सुख नहीं मिलेगा। 17 तत्वों के लिंग शरीर में रहते हैं, तो 17 तत्वों के लिंग शरीर में शरीर से तो सुख भोगते हैं, लेकिन आत्मा उनकी दुखी रहती है। जैसे बहुत से लोग देखो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, कोई धन की कमी नहीं है, रुपया पैसा भरपूर है, खाने को जो हुक्म लगा देते हैं वही चीज हाजिर हो जाती है, जैसा कपड़ा चाहते हैं एक ही जगह 10-10 तैयार हो जाता है, रोज एक गाड़ी में अगर चाहें तो चलें, 30 दिन में 30 गाड़ी भी पर भी चल सकते हैं, लेकिन शांति नहीं है, नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, भोजन जो खाते हैं उसको हजम करने के लिए गोली खानी पड़ती है, कुछ न कुछ लगा रहता है, तो शांति तो मुख्य चीज है, शांति नहीं है। ऐसे ही देखो कि शरीर से सुख तो वहां बहुत रहता है, 17 तत्वों के लिंग शरीर में बहुत सुख है, लेकिन दुखी वो लोग भी रहते हैं, वो प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं, देख तो नहीं पाते, अपने पिता को नहीं देख सकते। आप ये समझो कि मनुष्य तो पिता का प्यार पा लेता है मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर में पिता के संरक्षण में रहता है, बहुत कुछ सीख लेता है, लेकिन वो एक तरह से इतने समझ लो कि एक तरह से इतने दुखी रहते हैं कि हमको पिता का भी दर्शन नहीं मिलता है, लेकिन ज्ञान रहता है। जैसे बहुत से लोगों को ज्ञान है कि भाई भगवान है, परमात्मा है, लेकिन पूछो परमात्मा कैसे हैं, क्या है, कहाँ मिलेंगे तो बता नहीं पाते हैं। बहुत कुछ बताएंगे तो कहेंगे मंदिर में मिल जाएंगे, कोई कहेगा मस्जिद में मिल जाएंगे, कोई कहेगा गिरजाघर में मिलेंगे, कोई कहेगा अयोध्या जाओ मिलेंगे, कोई कहेगा हरिद्वार जाओ मिलेंगे, कोई कहे बद्रे का आश्रम में जाओ वहाँ मिलेंगे, ऐसे अंदाजिया। आप समझो जानते तो हैं लेकिन उनकी दया का अनुभव नहीं कर पाते हैं। कैसे कि जैसे आपको एक मुक्का मार दिया जाए, कहा जाए कि भाई आपको मुक्का मारा गया, चोट लगी, कहोगे लगी, तो इसको हमको दिखाओ कहाँ चोट लगी, चखाओ, हमको सुनाओ कैसा चोट लगा, तुमको कैसा दर्द हो रहा है, तो बता पाओगे। तो परमात्मा तो इस मनुष्य शरीर में अनुभव वाला होता है, उसको अनुभव किया जाता है और देखा जाता है, उसको देखने के रास्ते से देखा जाता है, दिखाने वाला जब मिल जाता है, रास्ता बताने वाला मिल जाता है, तब उसका दर्शन भी होता है। आज तक देखो दर्शन किसको हुआ, मनुष्य शरीर में ही हुआ, मनुष्य शरीर के रहते रहते ही प्रभु का दर्शन हुआ, मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद न तो स्वप्न में भगवान मिलता है और न मिलेगा,
ये बिल्कुल पक्की बात है। तो आप ये समझो मिला जब संतों को, संतों ने अंतर में देखा, तभी तो कहा कबीर साहब ने कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आर, तेरा साई तुझ में जान सके सो जान, कस्तूरी कुंडल बसे मृग दून है बन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाए। फकीर ने भी कहा अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के महखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है, ना खुदा मंदिर में देखा ना खुदा मस्जिद में है, शेख जी रिंदों से पूछो दिल के आशियाने में है। तो दिखाई तो इसी में पड़ता है, लेकिन वो चाहते हुए भी अपनी 17 तत्वों के नई शरीर में नहीं देख सकते। आप 5 तत्वों के शरीर में प्रभु का दर्शन कर सकते हो, देवी देवताओं का दर्शन कर सकते हो, उनसे परे लोक में जा सकते हो, लेकिन वो नहीं जा सकते। इसीलिए बराबर प्रार्थना करते रहते हैं, नर समान न कोनो देही, जीव चराचर जाचते ही, जितने भी चर और अचर के जीव हैं सब इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते रहते हैं, इस मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं प्रेमियों। तो आपको समझने की जरूरत है, यह मनुष्य शरीर अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, और ये दोबारा फिर आपको मिलने वाला नहीं है। आप ये समझो पहले ही युगों में मिला, तो ये कलयुग चल रहा इसके पहले युग था, द्वापर था, उससे पहले त्रेता था, उससे पहले शतयुग था। ये 4 युग हैं, शतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये कई बार बीते। आप जब से वहां से उतारे गए, कहां से, सतलोक से, सतपुरुष ने जब से आपको भेजा इधर, तब से आप समझो कई बार ये युग बदले और कई युगों में जन्म लिया, मनुष्य शरीर भी मिला, कर्मों के अनुसार पेड़ में, पौधे में, चिड़िया में, जानवरों में यही जीवात्मा डाली गई, भटकते रहे, कभी नर्क भी चले गए, बुरे कर्म ज्यादा बन गए, वहां भी अनि नरकों की भी सजा खाई, लेकिन मनुष्य शरीर मिला तो, लेकिन रास्ता बताने वाले नहीं मिले, तो फिर भटक भटक आए, समझो सब भटका खाया, सदगुरु बिन कोई राह न पाया, सदगुरु नहीं मिले, समर्थ गुरु नहीं मिले, रास्ता बताने वाले नहीं मिले, तो भटक गए। लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके 84 में आना पड़ा। अब आप ये समझो अब जो मनुष्य शरीर मिला, ये दोबारा कोई जरूरी नहीं है कि फिर आपको मिल जाए, लेकिन अब ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इससे आप अपना काम अगर कर ले गए तो तकलीफों से बच जाओगे, और नहीं तो फिर कर्म के विधान में बंधे हुए हो, कर्मों की सजा मिल जाएगी। अब अपना काम क्या है? अपना काम तो प्रेमियों यही है कि इस शरीर के रहते रहते अपनी इस जीवात्मा को उस परमात्मा तक पहुंचा दिया जाए जहां से यह अलग हुई है, जिसकी यह बूंद है, उस समुद्र में इसको विलीन कर दिया जाए, यह अपना काम है। बाकी ये जो काम करते हो ये आपका काम नहीं है। घर मकान बना लेते हो, जमीन जायदाद खरीद लेते हो, रुपया पैसा इकट्ठा कर लेते हो, लेकिन सोचो जिन लोगों ने इकट्ठा किया, कैसे भी इकट्ठा किया, मेहनत की कमाई से किया, धोखा दे करके, लूट मार करके इकट्ठा किया, आप ये समझो कि शरीर छोड़ने के बाद उनका रहा नहीं रहा, तो आप मेहनत करके इकट्ठा कर लो, ऐसे कर लो, तो आपका कैसे रहेगा? आप जरा सा पीछे की तरफ देखो, इतिहास नहीं पढ़े हो, इतिहास नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं है, लेकिन आप जिनकी जितनी उम्र हो गई उस उम्र में ही पीछे देखो कि आपके गांव में ही, आपके परिवार में ही किसी ने शरीर छोड़ा होगा, और परिवार का ही आदमी जो शरीर छोड़ा, जिस घर में आप रहते हो इसी घर को वो भी कहता रहा ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। सोचो जब उसका नहीं हुआ, उस घर में आप रहने लग गए, आपका हो गया, तो आपका ये सब घर और ये जमीन जायदाद, ये संपत्ति कैसे रहेगी?
तो ये जो कुछ कर रहे हो दूसरे के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे हो। तो सवाल यह है कि शरीर मिल गया है तो शरीर की रक्षा के लिए तो कुछ न कुछ करना ही करना है। भूखे भजन न हो भुआला, लो भुआल कंठी माला। भूखे में भजन नहीं होता और न भूखे में भगवान अच्छे लगते हैं। कह दिया जाए खाना नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, भगवान तुम्हारे साथ 24 घंटा रहेंगे, तो कहोगे भगवान से ही कह दो पहले मेरा पेट भरे तब भगवान भी हमको अच्छे लगेंगे। कह दिया जाए शरीर तुम्हारा रोगी कर दिया जा रहा है, उठ बैठ नहीं सकते हो, तुम पड़े रहोगे, लेकिन विष्णु भगवान पंखा झलते रहेंगे, हजरत मोहम्मद साहब तुम्हारी सेवा करते रहेंगे, तो मुसलमान भाई कहेंगे हुजूर साहब से ही कह दो हमको स्वस्थ कर दें। आप कहोगे भगवान से ही कह दो हमको ठीक कर दें, फिर भगवान की ही सेवा हम करेंगे। आपके समझो कह दिया जाए कि निंदा अपमान आपका हो जाएगा, समाज में रहने लायक नहीं रहोगे, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, लेकिन भगवान आपके साथ रहेंगे तो पसंद नहीं करोगे। कहोगे इज्जत के साथ रहना चाहते हैं, मुँहें ऊपर करके रहना चाहते हैं, इज्जत के लिए ही घर बनाते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं, लोग प्रणाम सलाम करें, शरीर को सम्मान करें, इसीलिए ये सब काम करते हैं, दिन रात दौड़ते रहते हैं, यही कहो तो भाई ये भी जरूरी है। अभी एकदम से आदमी से लोग घृणा करने लग जाए तो मनोबल उसका टूट जाता है, इसीलिए ये सब जरूरी है। टन रखने के लिए आप कपड़े का इंतजाम कर लो, ट्रेन में शरीर को चलाने के लिए भोजन का इंतजाम कर लो, गर्मी ठंडी से बरसात से बचाने के लिए घर का इंतजाम कर लो, मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आप जहाँ रहते हो वहाँ आप अपना वो भी काम कर लो, लेकिन इसमें फंसो नहीं, फंसोगे तो निकल पाना बड़ा मुश्किल होगा। और जितना ही बढ़ाने की कोशिश करोगे, जितना ही लाभ की इच्छा करोगे, जितनी ही इच्छाओं को बढ़ाओगे कि ऐसी चीजें हमारे पास हो जाएं तो सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, उतनी ही सुख शांति आपकी छिनती चली जाएगी। कहते हैं एक दुकान खोले थे तब तो कुछ समय भी मिल जाता था, दो दो तीन तीन दुकान को देखना पड़ता है, क्या बताऊं मैं बड़ी व्यस्तता है। अब एक दुकान खोल दिया, आमदनी होने लगी, किसी ने कह दिया अरे एक और खोल लो, अब उसमें मिल गए जो है चालबाज लोग, और फिर वो पैसा सब खा गए, नौकर गलत रख दिया, मिल गए तो सब माल अंदर अंदर गायब कर दिया। अब चिंता का विषय बना कि नहीं बना, एक तरफ जो फायदा कमाया दूसरे तरफ नुकसान हो गया। तो आप इस बात को समझो प्रेम कि फंसो नहीं, आजकल लोग फंस रहे हैं, तो फंसने वाला को तो मालूम पड़ता है कि बहुत अच्छा है, सम्मान मिल रहा है, सुख मिल रहा है, लेकिन फिर निकल नहीं सकता उसमें। कैसे? जैसे एक कटोरे में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है कटोरे के ऊपर बैठ करके शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है, दूसरी मक्खी आती है कटोरे में कूद पड़ती है शहद खाती है, लेकिन पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती। अब जो फंस गया बिजनेस में फंस गया, बंद नहीं कर सकता, निकल नहीं सकता है। जो राजनीति में फंस गया, जो चोर डकैतों के गिरोह में भर्ती हो गया, नशेड़ियों के गिरोह में भर्ती हो गया, निकल नहीं सकता है। जानता है कि अच्छा कर्म नहीं है, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं रह गया, निकल नहीं सकता है। तो फंसो नहीं, और हमेशा इस चीज का ज्ञान रखो कि इस चीज में अगर फंस जाएंगे, बुराई में फंस जाएंगे, तो इसका अंजाम बुरा होगा। आज हम किसी को मारते हैं, लूटते हैं, तो हम भी लूटेंगे, हमको भी कोई मार के ले जाएगा, ये जरूर ध्यान रखो, क्योंकि यह लेने देने का संसार है। कर्मों का विधान यहाँ बनाया गया, कर्म
प्रधान विश्व रचना का दो जश तीन सौ दस पैसा खा। जब कर्मों का विधान नहीं बना था तब लोग बहुत सुखी थे। शुरू में सृष्टि की जब रचना हुई तो केवल सही शब्दों की उस समय पर सतयुग ही था। उस समय का युग सतयुग था। अब तो कलयुग में सतयुग, कलयुग में कहता कलयुग में द्वापर कलयुग युग है। आपके जीवन में ही देखो उतार चढ़ाव होता है कि नहीं होता है। कभी बहुत अच्छे भाव रहते हैं, सतयुगी गुण रहता है, समझो आप ध्यान दो। और कभी रजोगुण आ जाता है आराम कर भी, तो कभी तमोगुण आ जाता है, यानी समझो मार देंगे काट देंगे आप, ये समझो इस तरह के जीवन में आते रहते हैं। त्रेता में भी ऐसा था, द्वापर में भी ऐसा था। कैसे याद दिलाऊं आपको, जब राक्षस मांस के टुकड़ों को काट काट करके यज्ञ कुंडों में डालने लगे थे तब उस समय पर कलयुग का असर था। जैसे आज हो रहा है, अच्छे काम में बहुत विघ्न बाधा लोग डालते हैं, जैसे आज हो रहा है ऐसे उस समय भी करते थे राक्षस लोग। तो द्विज मुख भोजन होम सराधा, वो स्वामी जी महाराज ने लिखा है, द्विज मुख भोजन होम सराधा और जाय करो इन कर तुम बाधा। तो राक्षस जब बाधा ही डालने लगे थे तब उस समय पर क्या था, कलयुग जैसा वातावरण हो गया था। लेकिन जब रावण को मार करके वापस अयोध्या आए तो त्रेता भई कृतयुग की करनी। कृतयुग किसको कहते हैं, सतयुग को कृतयुग कहते हैं। सतयुग जैसा वातावरण हो गया, वैसा तो नहीं हुआ, वैसा हो भी नहीं सकता था क्योंकि परिवर्तन हुआ था, त्रेता युग आया था। लेकिन सतयुग में लोग एक बार खेत को जोत करके बो करके चले आते थे, 17 बार काटते थे। जब जरूरत पड़ती थी बादल आते थे बरस जाते थे, जब जरूरत पड़ती थी फिर बरस जाते थे। जिस खेत को जब पानी की जरूरत पड़ती थी तो बादल उसी खेत में पानी बरसाते थे, ऐसा समय था। कब, सतयुग में। त्रेता में भी था, लेकिन त्रेता में मांगना पड़ता था, मांगे बारे से देह जल। रामचंद्र के राज काश्तकार को अपने खेत में खड़ा होकर के मेघराज बादल से प्रार्थना करनी पड़ती थी, मांगनी पड़ती थी, तब बादल बरसते थे। आप ये समझ लो इन युगों में सब युग रहे, लेकिन सतयुग में केवल सतयुग ही था। सतयुग योगी सब विज्ञानी करिहर ध्यान करें वो प्राणी, बहुत सुखी थे लोग और सब लोग प्रभु का दर्शन करते थे, रुकावट नहीं थी। रुकावट किसको कहते हैं, जैसे आप ये समझो कि पानी की नली होती है, अब उसमें से पानी निकलता है, बोरिंग में से पानी निकलता है, अब मिट्टी अगर उसमें आ गई तो वो रुक जाता है। आप ये समझो ऐसे ही रुकावट आ जाती है, तो उस समय रुकावट नहीं थी, अभी रुकावट आ गई। किसकी रुकावट आ गई, यानी कर्मों की रुकावट आ गई, पाप पुण्य की रुकावट आ गई, समझो पाप की रुकावट आ गई। वो जो रास्ते से प्रभु को देखा जाता है, दर्शन किया जाता है, देवी देवताओं का दर्शन किया जाता है, उस रास्ते में अभी रुकावट आ गई। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600070। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।